हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण। हम अधिगम और शिक्षण में इकाई दो का अध्ययन कर रहे थे, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता में विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी असामान्य बालक, विशिष्ट बालक बालकों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने उसकी परिभाषा और प्रकारों के बारे में बताया था कि विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं। और विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक है, विकलांग बालक है, अपराधी बालक है, मंदबुद्धि बालक है, सृजनात्मक बालक है, पिछड़े बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों में आता है। और मैंने परिभाषा भी बताई थी कि वे बालक जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से और व्यवहारिक रूप से विशिष्ट गुणों को लेकर एक भिन्न होते हैं, एक अलग होते हैं सामान्य बालकों से, तो उन सभी बालकों को हम असामान्य बालक या विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। तो आज उन्हीं विशिष्ट बालकों में सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालक का अध्ययन करेंगे। प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं और प्रतिभाशाली बालक की IQ, उनकी बुद्धिलब्धि और उनकी विशेषता क्या होती है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक, यानी बुद्धि 140 यानी IQ 140 या उससे ऊपर वाले बालक, अथवा ऐसे बालक जो अपने स्तर से उच्च स्तर के कार्य भी आसानी से कर लेते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यानी वह बालक जिनकी बुद्धि लब्धि या IQ 140 से ऊपर हो। ये जो 140 है, 110 है, 100, ये ग्राफ किसने दिया? टर्मन ने दिया था। मतलब टर्मन ने बुद्धि लब्धि के प्रकारों को बांधा था कि 140 से ऊपर वाले बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। या फिर ऐसे बालक जो अपन से, मतलब उनके जो उनका जो स्तर होता है, उनके उच्च स्तर वाले सवालों को आसानी से हल कर लेते हैं। जो मतलब है कि जैसे 5वीं क्लास का बालक है और वो 8वीं क्लास के सवालों को सॉल्व कर देता है या उनकी समस्याओं को हल कर देता है, तो ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति उस राष्ट्र अथवा समाज के प्रतिभाशाली बालकों पर निर्भर करती है। यानी किसी भी देश की या राष्ट्र की जो प्रगति है या विकास है, वहाँ के रहने वाले प्रतिभाशाली बालकों पर निर्भर करती है। प्रतिभाशाली बालकों में विकास की संभावना अधिक होती है। यानी ऐसे बालक ही समाज में परिवर्तन लाते हैं, समाज में विकास करते हैं, समाज में कुछ न कुछ अलग करने की चाह रखते हैं। हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषा दी है प्रतिभाशाली बालक के लिए, उनको आप स्क्रीन पर देखना। सबसे पहले है टर्मन के अनुसार, प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि तथा व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, शैक्षणिक उपलब्धि उनकी उच्च स्तर होती है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो चुका होता है और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं, यानी बिल्कुल अलग दिखते हैं। दूसरा है कि टर्मन और हॉर्डिन के अनुसार ये बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। और क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, और दूसरा है वे बालक भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। यानी उन्होंने दो तरीके से बताया कि 130 से बुद्धि लब्धि अगर ज़्यादा हो तो वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और कुछ ऐसे बालक जो अपने क्षेत्र में एक भिन्न कार्य करते हैं, एक विशेष काम करते हैं, उन बालकों को भी हम प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। अब प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होती है जिससे हम पहचान कर सकें कि ये प्रतिभाशाली बालक है? तो प्रतिभा का ठीक ठाक पता ना लगाने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बालक मरुस्थल में फूल के समान तथा पृथ्वी में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं और इस संसार में विदा हो जाते हैं। यानी ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान
और प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनकी हम पहचान नहीं कर पाते, और पहचान नहीं कर पाने के कारण वो पिछड़ जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। हम उनकी पहचान नहीं कर पाते, उनको आगे नहीं ला पाते, इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। और अपने अपने जो भी सपना होता है, अपनी जो IQ होती है, उनका जो ड्रीम्स होता है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो उस चीज़ से पिछड़ जाते हैं। यानी प्रतिभाशाली बालक का मतलब है कि प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उनको विशेष ज्ञान मिलना चाहिए, विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए, तभी वो अपने ज्ञान को आगे से आगे बढ़ा पाता है, क्योंकि वो सामान्य बालकों से अलग है, उसका दिमाग अलग चलता है। अब प्रतिभा बच्चे की उचित पहचान के लिए हमें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हम कैसे पहचान कर सके कि वो प्रतिभाशाली बालक है, तो कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। पहला है पढ़ने लिखने में अधिक रुचि। प्रतिभाशाली बालक होता है हर चीज़ में पढ़ने लिखने में रुचि ज़्यादा दिखाता है। वो एक शिक्षक के द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको घर से पढ़ के आता है, उनके क्वेश्चन आंसर याद करके आता है, हर क्लास में सबसे पहले उत्तर बताने की कोशिश करता है, और मतलब पढ़ने में उसका इंटरेस्ट होता है, फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। दूसरा है शब्द भंडार में व्यापकता, और उसके दिमाग में शब्द भंडार की व्यापकता होती है, हर चीज़ का, हर समस्या का हल निकालने के लिए उसके पास में हल होता है। उसको मतलब कि किसी कोई भी प्रश्न पूछो तो वो उस हाजिर जवाब देता है, और हर चीज़ का उसके पास में उत्तर होता है, तो ये उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उसके व्यापकता होती है। कठिन विषयों में अधिक रुचि, और हमेशा आप देखना प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो सरल विषयों को ना देख कर कठिन विषयों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे लिए चैलेंज है, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे, और उनको उनको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं मेरी दूसरे सामान्य बालकों से ज़्यादा प्रशंसा हो, मेरी मतलब कि मेरा नाम हो। तीसरा है, चौथा है मानवीय गुणों का समावेश और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर व्यवहारिकता बहुत अच्छी होती है, वो हर चीज़ को आसानी से समझ लेता है, वो हर चीज़ को आसानी से समझ लेता है। इसके बाद में ज्ञानेंद्रियों को तीव्रता से विकास करना, हमारे शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियाँ होती है उनको हर तरह से अलर्ट रखना, विकसित करना, हर चीज़ को किसी भी माध्यम से, किसी भी ज्ञान के इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, और हर टाइम सचेत रहता है, अलर्ट रहता है, जागरूक रहता है, उसे हमेशा यही रहता है कि मुझे कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, तो उसकी ज्ञानेंद्रिया हमेशा क्रियाशील रहती है, सक्रियता रहती है। आगे है सामान्य ज्ञान का अधिक अच्छा, मतलब सामान्य ज्ञान का अच्छा होना, और उसका जो जनरल नॉलेज होता है वो ज्ञान बहुत अच्छा होता है, वो हर तरह से ज्ञान रखने की कोशिश करता है, हर प्रकार से अच्छा ज्ञान रखता है, वो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि एक जो जनरल अपडेट में भी रहता है कि कौन कौन सी क्या घटनाएं घट रही है हमारे संसार में, क्या हमारे भारत में, क्या हमारे राज्य में, क्या हमारे जिले में कौन सी घटनाएं हो रही है, उन सभी की जानकारी वो रखता है, यानी सामान्य ज्ञान उसका अच्छा होता है। निर्देशन की कम आवश्यकता, नेक्स्ट क्या है, निर्देशन की कम आवश्यकता, ऐसे प्रतिभाशाली बालक जिनको बताना कम होता है और कार्य ज़्यादा करते हैं, वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास में वैसे ही पहले से ही शब्द भंडार खूब होता है, तो वो किसी भी चीज़ को या टीचर को या किसी भी प्लानिंग को आसानी से समझ लेते हैं, और इससे निर्देशन की आवश्यकता कम पड़ती है। नेक्स्ट है अमूर्त विषयों में अधिक रुचि। अमूर्त का मतलब होता है जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो उन विषयों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी जो जानी हुई चीज़ या जो सभी जानते हैं उनमें तो हर कोई इंटरेस्ट लेता है, हर कोई पढ़ने की इच्छा करेगा, लेकिन ऐसी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना जिसने कभी देखी नहीं हो, कभी सुनी नहीं हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना अमृत विषयों में अधिक रुचि होना है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक, और जब भी इसका जब परीक्षा होती है जैसे मूल्यांकन होता है कक्षाओं में, स्कूलों में, या कोई भी जनरल टेस्ट होता है, तो उसमें हमेशा अंक ज़्यादा लाने की इच्छा होती है और अंक वो प्राप्त करता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। उसके बाद में अंतर्दृष्टि अधिक होना। अंतर्दृष्टि यानी अपनी जो अंतर्दृष्टि होती है, अंदर से पहचानने की, अपने मन की आंखों से पहचानने की जो कला होती है वो उनके अंदर तीव्र होती है।
क्रियाकलापों में भिन्नता और उनके कार्य करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। एक सिस्टमेटिक होता है, एक योजना आधारित होता है। बिना सिस्टम के वो काम नहीं करते हैं। उनको पता है कि कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो वो पहले योजना बनाते हैं। उनका काम करने का बिल्कुल वो जोश के साथ में होश लेके भी काम करते हैं। उसके बाद में समस्या समाधान में शीघ्रता और हर समस्या को जल्दी सॉल्व कर देते हैं, हर समस्या को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद में विद्यालय कार्य व घर कार्य करने में शीघ्रता, हर कार्य को वो आसानी से कर लेते हैं। विद्यालय के जो कार्य है, घर कार्य है या किसी प्रकार का जो कार्य जो टीचर के माध्यम से दिया जाता है, उन कार्य को वो तीव्रता से कर देते हैं और आसानी से कर लेते हैं। उनके पास में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। उसके बाद में नेतृत्व की क्षमता, और हर कार्य को नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप करने की क्षमता होती है। वो मतलब है कि उनको न्याय अन्याय, सत्य असत्य, झूठ और सच में फर्क करना आता है। उनको पता है कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है। उन चीज़ों को डिसीजन करना और उन पर फैसला करना उनको एक अच्छे से आता है। इसी को नेतृत्व क्षमता कहते हैं। फिर है सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता। और प्रतिभाशाली बालक हमेशा समाज में, विद्यालय में और अपने क्षेत्र में हमेशा सामाजिक प्राणी के रूप में कार्य करता है और सबकी सहायता, सबकी हेल्प करना, सबका सहयोग करना उसके भावना में होता है। और वो इस कार्य को एक अच्छे से अपने समाज में, अपने विद्यालय में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है उच्च बुद्धि लब्धि। और उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, मैंने बताया कि 140 130 से ऊपर होती है। और उनका जो सोचने का समझने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। उनकी IQ बहुत तेज होती है। और लास्ट है स्वतंत्र निर्णय की क्षमता। और वो हमेशा ऐसे बालक होते हैं जो ग्रुप डिसीजन नहीं लेते हैं बल्कि सेल्फ डिसीजन लेते हैं। उनको डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होती है। ये तो थे अपने एक प्रतिभाशाली बालक की जो पहचानने की जो कला है, या उनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे हम पहचान कर सकें कि ये प्रतिभाशाली बालक है। अब इसके बाद में हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या शिक्षा दे सकते हैं। तो उनके लिए देखो, सबसे पहले नेतृत्व प्रशिक्षण, यानी नेतृत्व का प्रशिक्षण, लीडरशिप कैसे की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद में प्रोत्साहन, हर कार्य में उनको प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी कार्य को मतलब है कि इनको शाबाशी दी जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको हर चीज़ के लिए आगे रखा जाए। उसके बाद में श्रेष्ठ अध्यापक, यानी उनको ट्रेंड करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए ट्रेंड टीचर की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रेंड टीचर नहीं होगा तो वो अच्छे से ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए एक ट्रेंड और एक प्रशिक्षण प्राप्त टीचर ही उसको अच्छे से ज्ञान दे सकता है। उसके बाद में उत्तरदायित्व का कार्य, और हर कार्य उसको उत्तरदायित्व का दिया जाए, उसको भरोसेमंद का कार्य दिया जाए कि ये आप कार्य कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है, आप में ये क्षमता है, तो उसके अंदर और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। उसके बाद में सर्वांगीण विकास पर बल, और उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। हर गुणों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई कि ऐसे बालक होते हैं जो हर क्षेत्र में अपना नाम करते हैं, एक नई खोज करते हैं, नया परिवर्तन करते हैं। तो उसकी इस कला को, उसके इस ज्ञान को हमें उपयोग में लेना चाहिए और सही लाइन लेनी चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम, ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। संस्कृति की शिक्षा, हमारे भारत की, अपने समाज की, अपने गाँव की जो सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, उनका भी ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद में पुस्तकालय सुविधा, और उनको पुस्तकालय की सुविधाएं देनी चाहिए। हर तरह की मैगजीन है, अखबार है, और भी विशिष्ट जो किताबें होती है, विशिष्ट लेखकों के द्वारा लिखी होती है, प्रतिभाशाली का जो एक मोटिवेशनल होता है उनको बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी किताबें होती है, तो वो किताबों की उपलब्धता होनी चाहिए। और लास्ट है विशिष्ट कक्षाएँ, और उनके लिए एक अलग से कक्षाएँ आयोजित करनी चाहिए। सामान्य बालकों के लिए उनके साथ में बिठाओ, कक्षाएं करवाओ, क्योंकि उन बालकों से भी दूसरे बालक सीखते हैं और एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लास लगाकर, अतिरिक्त क्लास लगाकर उनको अलग से एक क्लास भी देनी चाहिए। तो ये थी अपने प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। आशा करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।